दिल्ली दिलवालों की है और दिल्ली के बारे में मशहूर है कि यहाँ अदब का, अदबी लोगों का, शायरों का और मुशायरों का जमावड़ा लगा करता था। सन 1850 में दिल्ली के लाल किले पर एक मुशायरा हुआ था। यूं तो अनेकों हुए थे, लेकिन कहते हैं कि इस के बाद फिर कभी कोई मुशायरा नहीं हुआ। 1850 का दिल्ली का मुशायरा, आज उसी मुशायरे के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। दिल्ली के लाल किले की तरफ चलते हैं और सुनते हैं उस मुशायरे में कौन कौन आया था, क्या क्या हुआ था और क्या मंजर था। तारीख 1850 के आसपास की, जब लाल किले पर दिल्ली के शाहजहां बहादुर शाह जफर की सदादत यानी अध्यक्षता में आखिरी उर्दू मुशायरा हुआ था। वह साहित्य और सत्ता के दौर की एक ऐतिहासिक अदबी घटना थी। उस मुशायरे में शाहजहां बहादुर शाह जफर के अलावा मिर्ज़ा गालिब, उस्ताद ज़ौक, हकीम मोमिन खान, आगा खान ऐश, दाग दहलवी, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, मुफ्ती सदीन और आरजुदा आदि सभी शिखर शायर मौजूद थे। उसी मुशायरे को एक नाटक के रूप में हाल ही में दिल्ली में डॉक्टर एम सईद आलम ने दिलचस्प ढंग से पेश किया था। उन दिनों परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि उस ऐतिहासिक मुशायरे की कोई लिखित तफसील मिल सकती, लेकिन दिल्ली के अदबी क्षेत्रों में एक लंबे अरसे तक उस मुशायरे की चर्चा होती रही और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जिक्र भी दिल्ली के पुराने अदबी घरानों में जारी रहा। इस नाटक में जफर की भूमिका टॉम अल्टर ने निभाई थी, जबकि मिर्ज़ा गालिब की भूमिका प्रभावी ढंग से हरीश छाबड़ा ने निभाई। पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त विवरण के अनुसार इस मुशायरे में ऐसे भी शायर थे जो निजी रूप से व अदबी जिंदगी में एक दूसरे को कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। मसलन उस्ताद ज़ौक व मिर्ज़ा गालिब दोनों ही एक दूसरे पर फब्तियाँ कसते थे। ज़ौक शहनशाह के औपचारिक रूप से उस्ताद माने जाते थे, मगर गालिब को भी बहादुर शाह जफर के दरबार में उतनी ही इज्जत मिलती थी जितने कि उस्ताद ज़ौक को। यह घटना अदब क्षेत्रों में बेहद चर्चित रही कि एक बार उस्ताद ज़ौक पालकी में बैठकर लाल किले में बादशाह के दरबार की ओर जा रहे थे। रास्ते में चांदनी चौक में एक पान वाले की दुकान पर बैठे मिर्ज़ा गालिब ने बुलंद आवाज में एक व्यंग कस दिया, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। गालिब ने यह मिसरा इतनी बुलंद आवाज में पढ़ा कि ज़ौक को भी सुनाई दे गया और इस पर वह बेहद तिलमिलाए। उन्होंने लाल किले में पहुंचते ही बादशाह को शिकायत की कि मिर्ज़ा गालिब ने सरेआम उनका अपमान किया है। बादशाह को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फौरन मिर्ज़ा गालिब को बुलावा भेजा। गालिब से जफर ने खुद पूछा, मिर्ज़ा आप तो अदब की दुनिया के सरताज माने जाते हैं, आपसे तो ऐसी बेअदबी की उम्मीद नहीं थी। मिर्ज़ा गालिब ठहरे व्यंगकार, अपने वक्त के विलक्षण हाजिर जवाबी भी थे। उन्होंने सफाई दी, आपने सही फरमाया बादशाह आलम, मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ। मैंने तो अभी अपने एक ताज़ा शेर का मिसरा ही पढ़ा था, मगर उस्ताद ज़ौक ने दूसरा मिसरा सुना ही नहीं और आपके पास चले आए शिकायत लेकर। मेरा पूरा शेर तो अपने बारे में ही था और पूरा शेर कुछ यूं था, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। बादशाह जफर गालिब की चतुराई भांप गए थे, मगर उन्होंने एक अच्छे ढंग से विवाद समेटने के लिए गालिब के शेर की तारीफ की। उस्ताद ज़ौक को इस सारे प्रकरण में स्वयं ही अपनी शिकायत के लिए माफी मांगनी पड़ी। पुराने खानदानी आख्यानों के अनुसार उस आखिरी मुशायरे पर बादशाह जफर की आंखें बार बार नम हो जाती थी। अपने दरबार में शायरों को अशर्फियों के उपहार देने वाले बादशाह का खजाना उस दिन लगभग खाली था। चांदनी चौक के कुछ पुराने खानदान अपने बुजुर्गों के हवाले से बताते हैं कि उस शहनशाह ने अपने शॉल और गले के हार, अपनी अंगूठियां व अपने डाइनिंग हॉल की कुछ बेशकीमती चांदी की प्लेटें ही शायरों को नजर कर दी थी। इस बार अशर्फी न दे पाने के लिए जफर ने हर शायर से आंखें झुकाकर मुआफी भी मांगी थी और यह भविष्यवाणी भी कर दी कि शायद यह नशिस्त आखिरी नशिस्त होगी। बताने वाले बताते हैं कि इस मुशायरे में बादशाह जफर ने भी कुछ शेर पढ़े थे जो इस तरह थे, न था शहर दिल्ली यह था चमन, कहो किस तरह का था या अमन,
जो खिताब था वह मिटा दिया, फकत अब तो उजड़ा दयार है। एक और था, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूं। न जफर किसी का रकीब हूं, न तो मैं किसी का हबीब हूं, जो बिगड़ गया वह नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़ गया मैं उसी की फसल बहार हूं। तब जफर क्या थे, हिंदुस्तान के एक बेबस राजा? शायर थे तो शायरी के शौकीन होने के बायस मुशायरा रखते थे। दाग ने मिर्जा गालिब पर यह शेर दागा था, अपना कहा तो आप ही समझे तो क्या समझे, मजा तो तब है कि एक बोले और सब समझे। चूंकि बादशाह जफर मन संचालन नहीं कर रहे थे, सो शम्मा अपनी जगह ही रोशन रही और बारी बारी से शायरों के पास नहीं लाई गई, जैसा कि उम्मीद थी कि गालिब छा जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने हाजिर जवाब मन संचालक की भूमिका निभाई। मसलन जब एक शायर की बारी आती तो गालिब उसके बारे में कहते हैं, साहब ब्रितानिया सरकार में अफसर हैं, 1100 रुपये सालाना की तनख्वाह पाते हैं, इतने के ही बाजार में मेरे नाम कर्ज हैं, वहाँ नौकरी और यहाँ शायरी। सो साहब जादू बयानी करते हैं, कहते हैं कि मुशायरे में मंच लूटी मोमिन ने, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, हाल दिल उनको लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। टूटे हाथ से जब मोमिन ये शेर पढ़ते हैं तो और भी शेर और भी मौजू हो उठता है। मोमिन की आवाज मधुर और धीमी थी, वहीं दाग सबसे बुलंद आवाज वाले थे और जोक अपने रुतबे के बायस बुलंद रहते थे। जफर ने जो सुनाया वो तत्कालीन हिंदुस्तान का हालात हाजरा था। उनके बुढ़ापे ने उनकी बादशाहत की बेबसी को और उभारा। अंत में जफर साहब की बात, शेर वो नहीं जिसे सुनकर वाह निकल जाए, शेर वो जिसे सुनकर आहा निकल आए। और इस तरह से चला था लाल किले का आखिरी मुशायरा। तो ये था वो आखिरी मुशायरा, और इस सारे मंजर को अपने लफ्ज़ों में समेटा था डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। चंद्र त्रिखा जी वही जिनके बहुत सारे आर्टिकल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को सुना चुका हूँ, आगे भी सुनाता रहूँगा, और वैसे आजकल मैं उनकी किताब पढ़ रहा हूँ सांझे पुल, जो दोनों मुल्कों के दरमियान यानी कि हमारे देश और आपके मुल्क के दरमियान एक सांझे पुल का काम करती है, इसीलिए उस किताब का नाम है सांझे पुल। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अदबी लोगों का जिक्र है जो दोनों देशों के दरमियान आया जाया करते थे या दोनों की सांझे विरासत थे। डॉक्टर चंद्र त्रिखा के बारे में आप लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि कभी उनके साथ भी कोई गुफ्तगू हो, उनके वीडियोस तो हमने बहुत देखे, तो जनाब थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, जल्द ही उनके साथ भी बैठेंगे और एक अच्छी गुफ्तगू रिकॉर्ड करेंगे। शुक्रिया।